तो दोस्तों फाइनली अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख कर आ रहा हूँ बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय की आ चुकी फिल्म ब्रह्मास्त्र को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि जिसके लिए मुझे आप लोगों से करनी चाहिए बात। चलिए हम समझाते हैं आपको इस छोटा सा रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ब्रह्मास्त्र का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से शुरू शुरू में कहना चाहूँगा कि भैया खुद ले पहाड़ों निकले चूहुआ, यानी कि भाई ये फिल्म जो है ना वो ढाक के तीन पात है मेरे भाई। दोस्तों इसी फिल्म को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी ना कि भाई बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही है, इस फिल्म में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का ध्यान इस फिल्म के मेकरों की तरफ से लगातार रखा जा रहा है। और भाई ब्रह्मास्त्र को लेकर लगातार हम यही खबर आप लोगों को बता रहे थे कि भैया इस फिल्म का काम चल रहा है, इस फिल्म का काम चल रहा है, इस सीक्वेंस की शूटिंग चल रही है, उस सीक्वेंस की शूटिंग चल रही है, फिल्म में ये कमी रह गई थी इसको ठीक किया जा रहा है, इस फिल्म का VFX का काम चल रहा है, इस फिल्म का एनिमेशन का काम चल रहा है, इस फिल्म का ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसी खबरें 4-5 सालों से लगातार हम लोगों के सामने आ रही थी। और भाई 4-5 साल बाद जब ये फिल्म बनकर आती है सिनेमा घर में, तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद एक वो अंधा आदमी भी समझ जाएगा और वो कहेगा अरे ये तो खिचड़ी है, खिचड़ी। और भाई ये लोग खिचड़ी बनाने में इतना लेट लगा दिए, अरे बड़े सिंपल प्रोसेस है मेरे भाई खिचड़ी बनाने का, पहले चावल डालो, उसमें दाल डालो, फिर उसको धो लो, फिर उसमें पानी डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, और हो सके तो अगर घर में थोड़ा सा हरा सब्जी है तो वो भी डाल दो, और चूल्हा पे चढ़ा दो चूल्हा पे, अरे अपने आप खिचड़ी बन जाता है। अगर ये खिचड़ी तुम 5-6 साल में बना कर लाओगे तो भैया हम लोग ये बात क्यों ना कहें कि इस वक्त बॉलीवुड में एक भी अच्छा फिल्म मेकर है ही नहीं। अगर ऐसी फिल्में बनकर आएंगी तो भैया ऐसी फिल्मों की आलोचना कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा ऐसी फिल्मों की आलोचना। ये कहते हुए भैया इन दिनों बॉलीवुड में जितने भी न्यू कमर डायरेक्टर आ रहे हैं भैया वो अपनी कमर को ढीला करके आ रहे हैं, उनके पास में कोई अच्छा क्रिएटिविटी वाला स्टोरी लाइन है ही नहीं। और उनकी फिल्म मेकिंग को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया ये लोग ना बचपन से एवेंजर्स की कहानियाँ देख देख कर बड़े हुए हैं, भाई हैरी पॉटर की कहानियाँ देख देख कर बड़े हुए हैं, और उसके बाद आग का गोला उड़वा रहे ऑडियंस के सामने। भाई लिटरली इस फिल्म ने डिसअपॉइंट कर दिया है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही थी ना कि भैया इस फिल्म का बजट 300 करोड़ से ज़्यादा है, 400 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से ज़्यादा है। भाई कुछ साल मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और किसी भी फिल्म को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भैया इस फिल्म का बजट कितना होगा। भाई बाहुबली एक फिल्म आई थी, उसका नाम इस फिल्म के मेकरों को याद रहना चाहिए, उस फिल्म के ग्रेंजर को देखने के बाद, उस फिल्म के सेट डिज़ाइन को देखने के बाद, उस फिल्म का फिल्मांकन देखने के बाद ये बात लग रही थी कि भैया उस फिल्म का बजट 250 करोड़ होगा। और भाई आप लोगों ने 500 करोड़ में ये फिल्म बनाई है। भैया हीरो ये डायलॉग बोलता है कि गुरुजी से मिलने के लिए हमें हिमालय जाना है, और उसके बाद गुरुजी से मिलने के लिए लोग अब्रॉड चले जाते हैं। और भाई ये को खेला आपको हम बताते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ये को खेला चलता है हमारे कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग अब्रॉड में क्यों होती है, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं भैया, वहाँ पर अगर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों की शूटिंग होती है तो भैया वहाँ से भैया हमारे फिल्मों के फिल्म मेकरों को भैया सब्सिडी मिलती है। वहाँ पर ये लोग जितना खर्चा करते हैं ना अपनी फिल्म को बनाने में, उसका आधा हिस्सा उस कंट्री के माध्यम से फिल्म मेकरों को मिल जाता है इस बात के लिए कि भैया आप हमारे कंट्री में आकर हमारे टूरिज्म को भैया फैला रहे हो। और भाई ये लोग बोलते हैं कि 400-500 करोड़ के बजट पर ये फिल्म बनी है। तो चलिए भैया आप शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं आयान मुखर्जी, और उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले भैया जो कलाकार हैं वो हैं रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और उसके बाद में नागार्जुन, यानी भैया इतने बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से ये फिल्म सिनेमाघर में आ रही है। तो भैया इस फिल्म का बज स्ट्रांग होना चाहिए था ना, तो भैया बहुत ही प्लानिंग से इस फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों को लिया भी गया था। फिल्म की शुरुआत करी जाती है किसके माध्यम से, तो भैया शाहरुख खान के माध्यम से। तो भैया शाहरुख खान को इस फिल्म में क्यों
लिया गया तो भैया उनके फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करना चाहते थे करण जौहर, ये कहते हुए कि भैया अगर शाहरुख नजर आएगा तो उसके फैंस जो हैं इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर में जरूर आएंगे। उसके बाद भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज हो रही है तो भैया साउथ के मार्केट में भी अगर इस फिल्म को चलाना तो भैया एक साउथ का हीरो होना चाहिए कि नहीं, तो भैया नंदी का पावर देकर भेज दिया जाता है किसको, तो भाई नागार्जुन सर को, जो कि भैया फिल्म में कब आए और कब चले गए इस बात का आपको अता पता लगेगा ही नहीं। उसके बाद भैया इस फिल्म की कहानी को आगे खींचते नजर आते हैं तीन लोग, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। और भाई इन तीनों कलाकारों ने इस फिल्म का जो ऑपरेशन किया है ना उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। भैया आलिया भट्ट को पहली बार मैंने देखा कि भैया वो एक्टिंग नहीं कर पा रही थी मेरे भाई, बहुत ही कमज़ोर एक्टिंग मुझे इस फिल्म में आलिया भट्ट की नज़र आई। यानी कि भैया वो जो थोड़ी हाई फाई फिल्मों में जो एक्टिंग करती है ना भैया, जिसका कॉन्सेप्ट करण जौहर तैयार करते, तो भैया वैसा ही एक्टिंग वो इस फिल्म में करती नज़र आ रही थी। यानी भैया स्टूडेंट ऑफ द ईयर का मुझे एक्टिंग याद आ रहा था आलिया भट्ट का। उसके बाद भैया जो रणवीर कपूर है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि भैया वो एक सुपर हीरो हैं या फिर वो सुपर हीरो नहीं है। उसके बाद अमिताभ बच्चन जो है वो बार बार एक डायलॉग बोल रहे थे कि मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, कहानी क्या थी मुझे जानकारी नहीं। यानी कि भैया ऐसे ऐसे अतरंगी सतरंगी टाइप के डायलॉग अमिताभ बच्चन बोल रहे थे कि भैया मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भैया उनको क्या डायलॉग लिख कर दिया गया। यानी कि भाई इस फिल्म में नज़र आने वाले जितने भी कलाकार हैं उनमें से किसी का भी काम मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म में कहानी है भी या नहीं मैं समझ ही नहीं पाया मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हाफ टाइम तक मुझे ये फिल्म ठीक ठाक लगी। ठीक ठाक कहूँ तो भैया हाँ, हाफ टाइम तक इस फिल्म को हम लोग झेल सकते थे, कह सकते हैं कि भैया हाफ टाइम तक ये फिल्म अच्छी थी। लेकिन भैया हाफ टाइम के बाद ये फिल्म ऐसी भटकी कि भैया इसका ये सिरा हम पकड़ने की कोशिश करें तो भैया फिल्म घसक के उधर भाग रही थी, इसको खींच कर ला रहे थे तो भैया फिल्म पीछे की तरफ भाग रही थी। मतलब कि क्या दिखाना चाह रहे थे हाफ टाइम के बाद, ये बात समझ में ही नहीं आई मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो मुझे एक आइडिया आया था कि भैया ब्रह्मास्त्र को तीन टुकड़ों में दिखाया गया इस फिल्म में। तो भाई अगर इस फिल्म की कहानी को केवल एक टुकड़े के ऊपर ही अगर डिपेंड किया जाता तो नो डाउट इस फिल्म की कहानी ठीक ठाक हो सकती थी। लेकिन भैया आयान मुखर्जी जो थे ना भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो सोच रहे थे कि भैया नहीं, हम एवेंजर्स की कहानी को ना भैया एक ही बार में समेट लेंगे और पूरी कहानी एक ही बार में दिखा देंगे। यानी कि भाई इस पार्ट को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अगर इसका ये पार्ट चलेगा तो इसका दूसरा पार्ट आएगा, और दूसरे पार्ट में आपको कौन सी कहानी देखने को मिलेगी, तो भैया वहाँ पर आपको दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की कहानी देखने को मिलेगी जो कि देव की कहानी होगी। और अगर वो फिल्म गलती से हिट हो गई तो भैया उसके बाद थर्ड पार्ट में रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की भिड़ंत होगी, ये बात पक्की नज़र आ रही है। लेकिन भाई इस फिल्म को पहले दिन जिस तरह का रिस्पांस मिला और ये फिल्म जिस लेवल पर बनी है उसको देखने के बाद तो भैया ये बात साफ हो रही है कि भाई पहले ये फिल्म अपना बजट निकाल ले, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया 500 करोड़ 400 करोड़ के बजट पर ये फिल्म बनी है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म से जो उम्मीदें थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ी नहीं उतरी है। और भाई मैं तो एक ही सुझाव देना चाहूँगा बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को कि भैया एक दो हफ्ते में किसी भी फिल्म की कहानी को कंप्लीट मत करो सर। पहले हम लोग यही सुनते थे जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे तो वहाँ पर ये बात कही जाती थी कि भैया किसी फिल्म के कम से कम 5 से 6 ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, और जब तक वो 5 से 6 ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं होते थे तब तक कोई भी फिल्म फ्लोर पर नहीं जाती थी। लेकिन भैया इन दिनों तो ऐसा लगता है कि भैया आपके इन हाउस कई सारे सुपरस्टार हैं, आपके पास में एक राइटर है जो कि आपके कहे मुताबिक फिल्म बनाने के लिए तैयार है, और आपके जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं वो तो भैया अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर आएंगे और बोलेंगे अच्छा ये फिल्म है हम करेंगे, कहानी क्या सुनना है, आपकी फिल्म है हम तो कर लेंगे, अरे अपना घर का मामला है भाई, क्या कहानी वहानी सुनाएंगे आप लोग, बस बताइए शूटिंग कब से करना है। ये मेंटलिटी से अगर बॉलीवुड चलेगी तो भैया बॉलीवुड के बुरे दिन ख़त्म नहीं होंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे।
और अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भाई इस फिल्म को आप कितना स्टार देना चाहोगे, तो भैया मैं इस फिल्म को थोड़े से स्टार दे दूंगा इस फिल्म के एनिमेशन वाले डिपार्टमेंट को लेकर, जो कि थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा, एक्शन सीक्वेंस थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को 1.5 से 2 स्टार देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो भैया 1.5 स्टार के लायक ही ये फिल्म मुझे नज़र आ रही है। अब इसके बाद आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया जो बातें मैंने इस फिल्म को लेकर कही है, आप उन बातों पर कितना यकीन करते हो? आपको क्या लगता है इस फिल्म के पिटने का रीज़न क्या है? यही ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर भैया ऐसी ऐसी फिल्में बना दे रहे हैं कि भैया ऑडियंस मूर्ख है, उनको जो भी परोसा जाएगा पहले की तरह वो वैसे ही आकर किसी भी फिल्म को देख लेगी जैसे कि भैया वो 2019 से पहले देखती आ रही थी। तो इस मेंटलिटी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि भैया आप लोगों को कड़ा मुकाबला देने के लिए साउथ के बड़े बड़े मेकर अच्छे कंटेंट के माध्यम से सिनेमाघरों में अपनी फिल्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। और भाई जिस तरह से वो अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में ला रहे हैं उसको देखने के बाद, तो भैया अब ऐसा ही लग रहा है कि भैया अगर ऐसे कॉन्टेंट लेकर अगर आप लोग सिनेमाघरों में आओगे तो भैया आप लोगों की हालत आपके ही मार्केट में बुरी होने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।